प्यारे बच्चों, जल्दी ही हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सैंपल पेपर्स की। सैंपल पेपर्स से हमें एक आइडिया लग जाता है कि जो आने वाले पेपर हैं ना, वो किस तरह आने वाले हैं, क्या पैटर्न होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ क्लास छठी से लेकर के बारहवीं तक, सिक्स टू ट्वेल्थ के सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बस पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। बिना कमेंट किए स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। प्लीज़ वीडियो को लाइक मेरे लिए, शेयर अपने दोस्तों के लिए क्लास ग्रुप में, और अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि आने वाली सारी अपडेट लगातार आपके पास आती रहे। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये है एजुकेशनल ऑफिशियल साइट, और यहाँ तक आने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, बट आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन। क्लिक कर लीजिए इस पर। क्लिक करते आपके पास काफ़ी सारे नए ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। पर एक ऑप्शन जो मिलेगा आपको एग्जामिनेशन मटेरियल, इस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्या करना, क्लिक कर देना। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक नया इंटरफेस नज़र आएगा एग्जामिनेशन मटेरियल का। यहाँ पे आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। सैंपल पेपर बाद में दिखाऊंगा, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 10th क्लास का CBSE के सैंपल पेपर। अब देखिए, ये प्रीवियस ईयर के यानी कि पिछले साल के, यहाँ पर कंपार्टमेंट को लेकर के मेन एग्ज़ाम तक सारे होते हैं। 2020 में इसमें है, 20 का है, और आगे जाएंगे तो 19 का मिलेगा, उसके बाद 18 का है, 17 का है, तो काफ़ी सारे यहाँ पर पेपर मिल जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है फोर क्लास 12th, और 12th के भी सेम आपको इसी तरह से मिलेंगे, 20 के मिलेंगे, 19 के, 18 के और 17 के। तो चलिए ये तो था प्रीवियस ईयर। अब हम चलते हैं सैंपल पेपर पे, थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पर दिखता है सैंपल पेपर। ये देखिए यहाँ पर सैंपल पेपर लिखा हुआ है, और एक ब्लू लिंक आपको मिलेगा यहाँ पर, क्लिक कर लीजिए इस पर। और क्लिक करते ही आपको स्क्रीन पे एक इंटरफेस नज़र आता है सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। अब यहाँ पे ध्यान से समझे, एक एक चीज़ को बारीकी से समझे। आपको सैंपल पेपर दो तरीके से मिलते हैं। पहला DOE के सैंपल पेपर, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट जारी करता है, और दूसरा होता है CBSE के सैंपल पेपर। अच्छा, सैंपल पेपर हमारे पास जितने होंगे ना, उतनी हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप ये परेशान ना हो कि हम DOE की करें या CBSE की करें। काफ़ी हद तक 95% जो DOE के सैंपल पेपर होते हैं वो CBSE की तरह होते हैं, क्योंकि DOE CBSE को ही फॉलो करता है। बट अगर कुछ 2-4% आगे पीछे होता है, तो आप CBSE के भी और DOE के भी दोनों के सैंपल पेपर डाउनलोड कर लें और अपनी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको जितने ज़्यादा पेपर हों वो सही रहता है। अब यहाँ पे आप देखते हो तो ये है आपका 9th से लेकर के 12th तक, 9th 10th 11th 12th प्लस छठी से आठवीं तक की बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये सैंपल पेपर है 21-22 के, यानी कि पिछले सेशन के, और यहाँ पर आपको टर्म 2 और टर्म 1 के मिलते हैं 9th। उसके बाद यहाँ पर देखो 10th एंड 12th के मिलते हैं, ये भी 21-22 का ही, ध्यान से समझे। अभी क्या आपको करना है, देखो ये भी 21-22 के हैं और 10th एंड 12th के हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये मिलता है आपको 10th एंड 12th का प्रीवियस ईयर। यहाँ पे देखोगे तो ये है आपके लिए 10th एंड 12th का प्रैक्टिस पेपर 2021 में, ध्यान से समझे, 10th एंड 12th का 2021 का है। और जैसे ही यहाँ पे आपको लिंक मिलता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे 10th के सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर यहाँ पे मिलते हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी अभी लेटेस्ट सैंपल पेपर नहीं आया है, लेटेस्ट सैंपल पेपर आपको कैसे मिलेगा तो वो भी आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। सबसे पहले आप देखोगे तो जो 21-22 का सेशन था वहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 का पैटर्न चलाया था, बट उससे पहले का जो सेशन था वो 2021 का, वो सेम पैटर्न जो अभी आपका 22-23 में है सेम चलेगा।
इसका मतलब 20-21 के सैंपल पेपर आपको हेल्प करेंगे 22-23 के लिए। अब आपको प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे आपको 10 के मिल जाते हैं और ये है प्रैक्टिस पेपर इंग्लिश के। देखो पर 3-3, 4-4 पेपर हैं, देखो 5-5 पेपर है भाई, 5-5 पेपर हैं। और ये देखो यहाँ पर आपको मिलता है, ये प्रैक्टिस पेपर है, ये इसका सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन। और ये सारे सब्जेक्ट के आपको इसी तरह से हिंदी ए और बी के मिल जाएंगे, उसके मैथ्स के हैं, पंजाबी के हैं, संस्कृत के हैं, साइंस का है, और करेंगे नीचे तो सोशल साइंस का, उर्दू का है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के हो गए। इसी तरह से ट्वेल्थ के भी आपको यहाँ पर सारे अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है, सारे मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सारे फिजिकल एजुकेशन के साथ सारे पेपर आपको यहाँ पर सैंपल पेपर मिलते हैं। आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिए और अपने प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आपको मैं बताऊँगा कि आपको CBSE के सैंपल पेपर इस साल के कहाँ मिलेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ क्लास 6-8 तक के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये रहा 6-8 तक के एंड 10th के भी है 2018-19, क्योंकि 18-19 के बाद कोरोना लग गया था और कोरोना में बच्चों के पेपर जो घर से करके ला रहे थे, तो आपको हेल्प होगी 18-19 वाले पेपर। सेम आपको 18-19 वाले पेपर ही इस साल 22-23 में पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको मिलता है 18-19 के सैंपल पेपर यहाँ पे हैं और ये है 10th के। आपको करना है यहाँ पर सिंपल सा, ये देखो सैंपल पेपर है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपको एक नया इंटरफेस नज़र आएगा जो कि सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको यहाँ पर मिलते हैं, लाइक हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, ये है 6th का, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो ये रहा 7th का, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो ये रहा 8th का, मतलब 6th, 7th, 8th का भी काम यहाँ पर हो गया। आप एक एक करके लाइक यहाँ पर आप देखोगे तो ये रहा संस्कृत है, सोशल साइंस है, साइंस है, मैथ है, और ऊपर देखेंगे तो इंग्लिश है, हिंदी है, सारे आपको मिल गए। अब हम बात करते हैं 10th एंड 12th के लिए, तो यहाँ पे आपको 9th और 11th की बात करेंगे। तो 9th और 11th के आपको सैंपल पेपर जैसे ही यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे अभी देखिए जल्दी ये रिफ्रेश हो जाएगा क्योंकि CBSE DOE आपको सैंपल पेपर जारी करेगा। तो ये जो 9th से लेकर के 12th तक है ना, यहाँ पे आपको लिंक मिलने वाला है 21-22 की जगह चेंज होने वाला है 22-23। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, कुछ ही दिन में आपको यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे CBSE के सैंपल पेपर कहाँ से मिलते हैं, तो चलिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ साइट पर। तो चलिए अब हम आ गए हैं CBSE के साइट पर ऑफिशियल, और ये वाला लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो एग्ज़ाम रेफरेंस मटेरियल आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर मिलता है, और सिंपल सा आपको क्या करना है भैया, सैंपल पेपर पे जाना। तो ये आपके लिए सैंपल क्वेश्चंस पेपर एंड मार्किंग स्कीम, क्लिक कर लो भाई इस पर। और इस पर क्लिक करते आपको यहाँ पर जो सैंपल पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पर 21-22 के सैंपल पेपर आपको मिलेंगे, लेकिन आपको 21-22 नहीं बल्कि कुछ देर में ये रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पर 21-22 की जगह 22-23 आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हो सकता है अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है 22-23 यहाँ पर आ गया होगा। और अभी अगर 22-23 नहीं आया है तो आपको क्या करना है, 20-21 वाले सैंपल पेपर को डाउनलोड कर लेना है और इन्हें ही अपने 22-23 के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि सेम पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, 20-21 का ही फॉलो होगा 22-23 में। और आप 19-20 के भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है ये 12th का, ये 10th का। और आप जैसे ही 10th और 12th किसी को भी एक को क्लिक करते हैं तो आपको सारे पेपर यहाँ पर आपको नज़र आ जाते हैं, और इस पर क्लिक करते ही आपको पेपर शो हो जाएंगे। तो बस यही जानकारी थी आप तक शेयर करनी थी। बाकी दोनों के CBSE का और DOE का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, कुछ और जानकारी हो तो मुझे कमेंट कर लीजिए। बाकी पुराने साल के क्वेश्चंस पेपर भी आपको वीडियोस के साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जा करके ज़रूर देखें। पूरा जो हिंदी से रिलेटेड अगर आप 10th के हैं, 9th के हैं, तो पूरा सिलेबस पैटर्न जो भी आने वाला एग्ज़ाम है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा।
तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक करके शेयर कर दो और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जैसे ही नया अपडेट आता है आपको तक जल्दी पहुंचेगा। धन्यवाद।